हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक काफी मस्त एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूँ जो कि कैमरा कंपैरिजन होगा। एक मेरे पास साइबर सूट सोनी का कैमरा है जो कि ऑलमोस्ट 10 साल पुराना कैमरा होगा। ये बहुत लोग के पास आपको देखने को मिल जाएगा, 10 साल पुराना कैमरा होगा। और एक और फ़ोन है जो कि सैमसंग का M53 है। तो हम बेसिकली कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं जो कि ये फ़ोन है सोनी का M53 जो कि 25,000 के आसपास आया है और ये नया ही है, अभी कुछ महीने पहले लिया गया है। तो जो कि 108 मेगापिक्सल से इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं, इसमें फुल अल्ट्रा एचडी और फुल एचडी का ऑप्शन दे रखा है। अल्ट्रा एचडी 30 FPS पे, फुल एचडी आप 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ 4K, अभी 4K भी ऑप्शन दिखला रहा था वेबसाइट पे, लेकिन अभी शायद अपडेट आने के बाद हो जाएगा। तो इन दोनों का हम लोग करते हैं कंपैरिजन। ऐसे हम लोग स्टार्ट करेंगे फ़ोटो से, जो कि हम दोनों में अल्ट्रा एचडी फुल एचडी का ऑप्शन है, कैमरा में फुल एचडी का ऑप्शन है फ़ोटो लेने का और फ़ोन में अल्ट्रा एचडी का है। तो फोटो से स्टार्ट करेंगे और वीडियो तक लास्ट तक देखेंगे कि फुल एचडी और अल्ट्रा एचडी में 30 FPS पे कैसा स्मूथ फोटो रहता है या फिर थोड़ा सा नॉइजी होता है। चलिए शुरू करते हैं। ये मैं पोर्ट्रेट फोटो फ़ोन से ले रहा हूँ, M53 का फोटो जो कि पोर्ट्रेट मोड में है। तो आप देख सकते हैं कि कलर एक्यूरेसी, मुझे एडिट करते वक्त कलर एक्यूरेसी जो है वो M53 का बहुत अच्छा लगा। ये है साइबर सूट का अल्ट्रा वाइड में और ये है माइक्रो फोटो सैमसंग M53 से। M53 में थोड़ा सा माइक्रो फोटो उतना अच्छा एडजस्ट नहीं कर पा रहा जैसे कि आप सोनी साइबर सूट का देख लीजिए। ये माइक्रो फोटो उसमें माइक्रो लेंस तो नहीं है, लेकिन अगर नज़दीक लेके काफ़ी अच्छा से डिटेक्ट कर रहा है नज़दीक जाने पर। ये M53 का है, ये काफ़ी अच्छा है M53 का है, लेकिन आप नज़दीक जा कर ऐसे माइक्रो फोटो लेने के कोशिश करते हैं तो साइबर सूट ज़्यादा कलर एक्यूरेसी और पंची कलर लेके आता है इतना पुराना कैमरा होने के बाद भी। M53 ये अल्ट्रा वाइड एंगल से लिया गया है, जो मेन लेंस है 108 मेगापिक्सल का, ये फोटो आप देख रहे हैं। और ये जूम, अब मैं जूम कर रहा हूँ इसको, आप जूम करते समय ये जूम M53 का देखिए। कलर एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा है साइबर सूट से सोनी का जो कैमरा है, लेकिन जूमिंग में देखा जाए तो साइबर सूट थोड़ा आगे निकल रहा है इसलिए कि उसका बड़ा लेंस है। ये साइबर सूट का जूम है, मैं एक एक स्टेप नहीं डायरेक्ट इंड का दिखला रहा हूँ कि आप इसे अगर आप मैक्सिमम जूम कर सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा कितना, ये देखिए ये मैक्सिमम जूम है। तो कुछ इस तरह का फोटो है। अब चलते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट में। कैमरा में तो एक ही लेंस है, चाहे आप इसे सेल्फी की तरह यूज कर लीजिए या फिर रियर लेंस की तरह यूज कर लीजिए, लेकिन फोन में एक सेल्फी लेंस भी है जिससे मैं आपको ये अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये इसी फोन से हो रहा है, M53 में के फोन से ही हो रहा है। तो आप इसका एक सैंपल देख लीजिए और अब हम इसके बाद मूव करने वाले हैं। जैसे कि फोटो सेक्शन वाला तो सारा हमने कवर कर लिया, अब वीडियो सेक्शन पे आपको मैं सैंपल दिखलाता हूँ और दोनों में कंपैरिजन दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो सेक्शन पे चलते हैं। वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है फुल HD 60 FPS पे। इसमें काफ़ी बैलेंस रिकॉर्डिंग हो रहा है और मैं चलते चलते रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको भी, तो आप देख सकते हैं कि कैसा है इसका, जो कि एक साइड कैमरा का हो रहा है और एक साइड स्मार्टफोन का हो रहा है जो M53 है। इन दोनों में ये है अल्ट्रा HD में रिकॉर्डिंग, और जो मैं फिर से यही सेम पिक्चर को दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि किसका क्वालिटी क्या है। और इसमें भी आप बेशक जूम करके भी हम लोग देखेंगे। ये रहा आपका जूम 30 FPS अल्ट्रा HD का। ये
ये मैं अभी नॉर्मल सिर्फ चल रहा हूँ दोनों फोन को लेके, एक तो साइबर सूट सोनी का कैमरा है और एक M53 फोन। तो ये दोनों फोन से आप देख सकते हैं मैं अभी नॉर्मल वॉकिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल वॉकिंग। दोनों का ऑडियो भी यही है जो कि बाई बिल्ट आता है, किसी भी किस कोई भी एक्सटर्नल माइक नहीं है। तो आप देख सकते हैं अब मैं दौड़ने जा रहा हूँ, अभी मैं दौड़ रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें कैसा स्टेबिलिटी आ रहा है, दोनों में काफ़ी हिल रहा है फोन। ये मैं अभी नॉर्मल सिर्फ चल रहा हूँ दोनों फोन को लेके, एक तो साइबर सूट सोनी का कैमरा है और एक M53 फोन। दोनों फोन देख सकते हैं मैं अभी नॉर्मल वॉकिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल। दोनों का ऑडियो भी यही है जो कि बाई बिल्ट आता है, किसी भी किस कोई एक्सटर्नल माइक नहीं है। तो आप देख सकते हैं अब मैं दौड़ने जा रहा हूँ, अभी मैं दौड़ रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसमें कैसा स्टेबिलिटी आ रहा है, दोनों काफ़ी हिल रहा है फोन। वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और इसमें ये पता चलता है कि जो सैमसंग M53 है उसका कैमरा लेंस छोटा होने के बाद भी फोटो काफ़ी अच्छा निकल रहा है, उसका AI काफ़ी अच्छा है। जैसे कि AI से वो कलर को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहा है और एक पंची कलर सा रेडी टू अपलोड बोल सकते हैं कि रेडी टू अपलोड, जैसे कि फोटो क्लिक करने के बाद या वीडियो लेने के बाद काफ़ी अच्छा एक पंची ग्रीन को ग्रीन, ब्लैक को ब्लैक काफ़ी अच्छा से दिखला रहा है। लेकिन साइबर सूट में वहीं वाइट टोन ज़्यादा रख रहा है, ब्लैक को भी उतना अच्छा से ब्लैक नहीं दिखला रहा है क्योंकि उसमें उसका टोन थोड़ा सा, कलर टोन थोड़ा सा फेड टाइप है। दो जगह मुझे लगा कि सोनी का जो कैमरा है वो आगे निकलता है एक जूमिंग पार्ट में, जैसे कि जूम करता है तो वो उसका आई साइज मतलब कि लेंस साइज भी बड़ा है, तो बड़ा होने के कारण उसमें लाइट एक साथ बहुत ज़्यादा आ रहा है तो पिक्सलेट नहीं कर रहा है, यानी कि फट नहीं रहा है, फोटो नहीं फट रहा है, वीडियो नहीं फट रहा है, तो वो थोड़ा सा बैलेंस करके रख रहा है क्योंकि उसका लेंस बड़ा है। और सेकेंड है आप जैसे माइक्रो में तो फोन M53 में तो एक माइक्रो लेंस भी है जिसे मैंने वो फोटो क्लिक करके आपको वो सैंपल दिखलाया, तो वो थोड़ा सा वो पिक्सलेट हो जा रहा है यानी फटाफट आ रहा है, लेकिन साइबर सूट में नहीं है बड़ा लेंस होने के कारण, या उसका AI अभी भी अच्छा है, हो सकता है सैमसंग अपडेट कर दे, AI अभी भी अच्छा है कि जैसे वो ग्रास का फोटो दिखलाया था आपको उस पर दिखलाने से बिल्कुल क्लीन और बैकग्राउंड को काफ़ी अच्छे से ब्लर कर रहा है जो कि M53 नहीं कर रहा है। तो ये रहा वीडियो का कंक्लूजन, ये था आज का कंक्लूजन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।